ओ आ गई बूरी, आ जा अमन ने पानी पला दे प्याले में। मैंने कई बार तुझे कहा कि जब तू जाया करे ना पानी भरने, तो मेरे कन्ने एक पानी का प्याला रख दिया कर, सुबह से प्यासा बैठा हूं। ए बूरी बोल लेना तू। बूरी नहीं मुखिया। हाँ अरे मुखिया जी, आ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे कन्ने, आ जा बस। हाँ वो अभी भूरी आएगी ना तो तन्ने चाय का प्याला पिलाएगी। भूरी कब आवेगी तेना जाने, मने डर लग गया काचू, तेरो मेरो जबान भूरी मेली न करते। तू कहा बोल रहा मेरे यार? यार काचू, मने पतलू ने बताया के भूरी ने सही धरना की हवेली में काम काज शुरू कर दिया, और पतलू ने खुद देखा खुद कि वो साई जी का मुलाजिम है ना भोला, वो जीप में बिठा के ले गया भूरी को। रही बात भूरी ने मन्ने ना बताई, रहा इसी बात का तो खटका है, इसी बात का खटका है काजू, कि साई जी की नौकरी करने से पहले भूरी ने हम सबको बेखबर क्यों रखा। देखो मुखिया, साई जी की हवेली में नौकरी करना तन भाग है हमारा, और वैसे ये निक्की भी है, मगर फिर भी भूरी ने मन्ने क्यों नहीं बताया ये मुझे पता ना लगे। अंधे बाप से ना पूछना ये भी तो गलत है, बहुत गलत। गलत तो है, भूरी को पता होना चाहिए कि उसका बाप अंधा है। हाँ लेकिन मस्ती के बाकी लोग तो देख सके ना, उन तो अंधे ना है ना। बच्चों कुआं भी कितना खोदोगे? अरे चाचा, जब तक पानी की धारा ना निकले कुआं खोदते रहेंगे। मैं सोना मन ने तो लागे कि नीचे पानी ना होए, पर सिर्फ तेरे कहने पे खोदूंगा मैं। कभी अपने रब पे भी भरोसा रखो जरदा, मेहनत कभी हार ना माने है। हाँ ये बाला ठीक कहवे है, मैं इस राज खोदिए का बेटा हूँ, मेरा तजुर्बा कहवे है यहाँ से पानी जरूर निकलेगा। ये तो साईं धरना का मुलाजिम है। पर भूरी इसके साथ कहां से आई है? आते हैं क्यों घबरा में है, बस्ती जाओगे थे पता लग जाएगा। चलो वहां खोदते जाओ, वक्त कम है। सोना और क्या कर रहे हैं? वो बाद में देख लेंगे। हाँ हाँ तैं कहाँ गई थी भूरी? घर में दो बूंद पानी ना है पीने के लिए। क्यों ना है बापू, मैं बावड़ी का मीठा पानी और राशन लेकर आई हूँ। हाँ हाँ साई धरना की हवेली गई थी का? हाँ बापू, मन्ने ना साई धरना की हवेली में झाड़ू पोछे की नौकरी मिल गई है। हाँ साई जो है ना हमारे सर का साई होवे, उनकी खिदमत करना हम सबका फर्ज होवे, मगर मैं अंधा दिन भर मजदूरी न कर सकूं, तने नौकरी करनी थी, कम से कम उससे सलाह मशवरा तो कर लेती। तू जितना कर सके है ना बापू उतना कर, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब हमारी रोटी पानी का जिम्मेदार साईं धरना होवे है। ई मत भूल बुरी, तू पतलू की जिम्मेदारी है। पतलू हमारा भार ना उठा सकेगा बापू, वो तो खुद मुखिया चाचा के हाथों की तरफ देखे है। हाँ
शादी के बाद हर लड़का घरदारी चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करे है। पतलू भी मर्द है, वो भी काम काज जरूर करेगा। वो निकम्मा आधा मर्द है बापू, कुछ ना कर सके है। भूरी, मन ने मुखिया को जबान दी है, थारी बात ना समझने लागेगा तू, मुखिया के सामने मन ने जलील करा देगी। मारी कमर पे अब साईं धरना का हाथ है बापू, मुखिया चाचा तने जलील ना कर पाएगा। तुमने कहा हो गया भूरी? मन ने कुछ ना हुआ है बापू, फाड़ो बस्ती के लोका रोटी पानी और दवाई की खातिर जिंदगी भर घूमे और फिर मर जावे। पर भूरी ने जिंदगी की आंख में आंख डालकर जीने का इरादा कर लियो है। मन ने जी लेने दे बापू, पतलू नाम के जहर को भूरी ना पीवेगी। मेरी जबान का भरम न रखे भूरी। थारे भरम के हाथा मैं अपनी भूख प्यास और जरूरतों का गला ना घोट सकूं बापू।